बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर डे एंड अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे आप सब लोग। तो यहाँ पर जी नाश्ता बना रही थी, तो नाश्ता बनाने के बाद आज कोई मैंने हाउस काम भी नहीं किया था और कुछ हाउस व्लॉग भी नहीं बनाया था। यहाँ पर अंडे बॉयल किए थे, तो अंडे जो हैं वो दो तीन दिन के बाद बॉयल किए थे, क्योंकि अभी हाँ भी नहीं खा रही थी और मेरा भी कोई मूड नहीं था। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने के फ़ौरन बाद किचन में आके, तो किचन को क्लीन करना जो होता है वो सबसे फर्स्ट काम एक औरत का होता है, क्योंकि जब आपकी किचन क्लीन हो जाए तो बहुत सुकून हो जाता है कि बाकी काम जो हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर किचन जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है और जो बर्तन थे वो डिश वाशर में लगाए हैं और बर्तन जो थे वो भी वॉश हो चुके थे। उतनी देर में किचन भी जो है मैंने क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर जी मेरी बेटी जो है वो, उसको सबसे अच्छा काम यहाँ पे लगता है जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो चम्मच जो होते हैं वो ना बास्केट में से निकालना, तो वो बड़े मज़े से आके तो साथ में निकालना स्टार्ट कर देती है चम्मच। और यहाँ पर जो है वो मैंने जो पतीले वगैरह वो भी धो के रख लिए थे और चिकन निकाला था, क्योंकि आज पुलाव या बिरयानी बनाने को दिल था। तो यहाँ पर जो है स्नो वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो किचन में ही जब मैं आई तो मैंने देखा तो स्नो स्टार्ट हो गई थी। आजकल रोज़ ही रात को स्नो हो जाती है जनवरी में। लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो है, इस बार तो डेली जो है वो स्नो हो रही है। बाकी कंट्रीज़ में भी मैं देख रही हूँ कि यूके में, उसके साथ यूएसए में, इसी तरह काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। तो यहाँ पर जब बर्तन वॉश किए तो उसके साथ ही फिर बच्चों के फीडर जो होते हैं, रात को दूध पीते हैं, उसके बाद सुबह वाले फीडर भी वो मैंने धो लिए थे। उनको धो के थोड़ी देर के लिए मैंने जो है उल्टा रखा था और अब उनको रख लूँगी इस तरह से ताकि ड्राई हो जाएँ। ड्राई होंगे तो फिर उसमें बच्चों को दोबारा से दूध जब डाल के देना होगा तो इजी हो जाएगा। तो उसके बाद ये तकरीबन सेकंड टाइम का वक्त है, तो कुछ दिन पहले नगट्स मेरे हस्बैंड फ़िश नगट्स लेके आए थे, तो वो मैंने फ्राई किए थे, तो उसमें से ही अभी कुछ थे। तो इस वक्त खाने का टाइम भी नहीं था और वैसे ही थोड़ा बहुत कुछ खाने को दिल था, तो मैंने सोचा चले नगट्स फ्राई कर लेती हूँ। तो फ़िश नगट्स जो हैं वो अबीहा को मैं बहुत कम खिलाती हूँ, क्योंकि अबीहा को जो फ़िश है वो कम अभी खिलाती हूँ, इसलिए क्योंकि वो दूध पी के सोती है। तो बच्चों को जो है वो, ये बात मैंने सुनी हुई है, आप लोगों ने भी ज़रूर मुझे बताना है कि क्या ऐसा है कि मैंने सुना हुआ है कि नगट्स जो हैं, फ़िश के नगट्स हों या वैसे फ़िश खाएं तो उससे जो है ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए। तो इस वजह से मैं अभी तक तो यही है कि अबीहा को फ़िश बिल्कुल नहीं खिलाती, क्योंकि उससे फिर बाद में दूध पीने से चेहरे पर जो है वो प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे बेटर है कि एक चीज़ बच्चे को ना खिलाई जाए। तो आप लोगों ने इस बारे में मुझे ज़रूर बताना है जिसको कोई आइडिया है। तो यहाँ पर जो चूल्हा था वो मैंने मीडियम से हाई पे किया हुआ था, तो उसका बस थोड़ा सा गोल्डन कलर करना था, ज़्यादा वाला नहीं करना था। तो साथ में फिर मैंने सोचा कि चलें टेप बना लेती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे पकोड़े हों या कोई भी मैं ऐसी चीज़ फ्राई वाली खाऊं तो मैं उसके साथ चाय या टे ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। और उसके अलावा भी लास्ट टाइम जो है, लास्ट सर्दियाँ मेरी बहुत ही बुरी गुजरी थी, पूरी लास्ट सर्दियों में जो है वो मेरा गला ख़राब रहा था। उसके साथ मुझे ज़काम हो तो इतना नहीं था, लेकिन खांसी और गला ख़राब बहुत ज़्यादा रहा था। और मैं पूरा टाइम जो है वो बस मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ चलती रही थी, उसके साथ मैं अकेडमी भी जाती थी, तो लाइफ बहुत टफ थी। उसके साथ ही फिर तबीयत भी ख़राब हो तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सॉस जो है, ये सॉस बहुत ही मज़े की है, ये सॉस तो अबीहा को भी बड़ी अच्छी लगती है। तो ये जब भी पकौड़े बनाएं या इस तरह से कोई चीज़ हो, फ्राई की नगट्स वगैरह, तो उसके साथ बड़ी मज़े की लगती है, चिप्स वगैरह हो जाएं तो ये जो है ये बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पर जो है टे, ये मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टे हैं, क्योंकि हर ग्रोसरी जो है उसमें मेरे हस्बैंड ले के आते हैं और टे हम पीते भी हैं, तकरीबन एक बार दिन में ज़रूर ही पी लेते हैं। आजकल तो काफ़ी पी रहे हैं, एक दिन में एक बार मैं पी लेती हूँ, और दो दफ़ा चाय, एक दफ़ा नाश्ते के बाद और एक दफ़ा रात को खाने के बाद, तो सेकंड टाइम जो है वो बन जाती है टे। तो यहाँ पर ये जो स्नो है, ये देखें हर तरफ स्नो जो है स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो यहाँ पर अभी स्टार्ट हुई है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी कितनी ज़्यादा स्नो हो गई थी।
क्योंकि स्टार्टिंग पे अभी थोड़ी थोड़ी थी। और बस ऐसे ही है, आजकल तो धूप बिल्कुल नहीं निकल रही, तो बस ऐसे ही है। क्योंकि आजकल जो इधर जो है बुरहान को भी बस विटामिन डी दे रही हूँ, तो इधर जो है फिर मैं जो है लंच बनाने लगी थी। लंच बनाने के लिए मैंने ओलिव ऑयल लिया है, तो ओलिव ऑयल को मैंने पतीले में डाला है, तो उसको मैं गर्म करके तो उसमें प्याज डालूंगी, क्योंकि इधर मैं शिमला मिर्च आलू बना रही थी। ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, तो इतनी देर में साथ ही मैंने प्याज काट रही थी, क्योंकि जो है सारी चीज़ें मैं साथ साथ काट के तो खाना बना रही थी। उसकी वजह ये थी कि अभीहा और बुरहान जो है वो खेल रहे थे, तो मैं उतनी देर में सोचा खाना बना लूँ। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने बारीक सा काट लिया है, और अब इसको अच्छी तरह से जब इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा, तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि ये अच्छा सा कलर देगा। तो उसके बाद ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको डाल के तो उसका भी एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है वो मसाला बड़ा ही अच्छा सा रेडी हो जाता है। और कोई भी खाना जब बनाना हो तो उसका जितना अच्छा मसाला रेडी होगा उतना ही उसमें टेस्ट अच्छा आएगा। और मैं इसमें बिल्कुल देसी सा मतलब बेसिक मसाले डाल रही हूँ, कोई भी मैं ऐसा मसाला नहीं डाल रही जो आर्टिफिशियल फ्लेवर हो, क्योंकि जो है आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है इस तरह से वो कभी कभी यूज़ करने चाहिए, मैं कहती हूँ। मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पर जो प्याज है वो बहुत ही अच्छे से ब्राउन कलर में हो गया, तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, तो डाल के तो अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि इसका भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो साथ फिर इतनी देर में मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह जो हैं वो भी काट ली हैं, क्योंकि साथ साथ ही मैं सारी जो है वो कटिंग कर रही हूँ। तो ये टमाटर जो है ये बड़े साइज़ का मैंने एक लिया है, और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी एक ही लिया, वो भी बड़े साइज़ में थी। तो यहाँ पर जो है मसाला बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से जो है वो टमाटर वगैरह जो है भुन चुके हैं, तो उसमें अब सारे जो है उसमें मैंने नमक डाले, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च थी, उसके साथ साबुत धनिया जो होता है वो पिसा हुआ था, और ज़ीरा था, नमक, वही सारी चीज़ें मैंने डाल के तो अब इसको अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद आलू जो है वो मैंने काट के धो लिए हैं, तो वो इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इनको अच्छी तरह से बुनाई करनी है, जब ये भून जाएंगे तो इनमें तकरीबन आधा कप पानी डाल के तो इनको थोड़ा सा गलाना है, जब ये गल जाएंगे तो इसमें अब मैंने मिर्चें डाल दी हैं, तो क्योंकि इनको मिर्चें आलू इसलिए पहले मैंने थोड़े से नरम कर लिए थे, क्योंकि मिर्चें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना था, क्योंकि उनका जो जायका होता है वो फिर असल वाला नहीं रहता। और यहाँ पर जो है वो शाम का वक्त था, तो तकरीबन 8:30-8 बजे का, तो अबीहा जो है उसको अगर मैं देती हूँ एप्पल खाने के लिए तो वो थोड़ा सा पीस खाती है और बाकी ऐसे ही फेंक देती है या मुझे वापस कर देती है। तो बुरहान जो है वो अभी उसके जो है दांत बिल्कुल दो हैं, तो वो भी नहीं खा सकता, तो उनके लिए मैं इस तरह से ऐसा करती हूँ कि फ्रूट्स का पेस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एप्पल लिए हैं 3, तो और बनाना एक मैंने रखा, लेकिन बाद में फिर मैंने दो और बनाना एक और बनाना डाल लिया था, दो बनाना हो गए थे। तो अब इनको मैं बारीक काट लूँगी, काटने के बाद इसमें मैं कोई चीनी वगैरह कोई नमक कोई चीज़ नहीं ऐड करती, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं उनका अपना ही मीठा होता है, तो उसको मैं अच्छी तरह से काट के तो इसमें नीम गरम सा पानी जो होता है वो डालती हूँ। तो वो नीम गरम सा पानी डालने के बाद उसको जो है आप जूसर में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं तो है जो हैंड बीटर है उसके साथ करती हूँ इसको। तो ये मैं पेस्ट बना लेती हूँ, तो अबीहा भी खा लेती है, बुरहान भी खा लेते हैं, तो अबीहा की दफ़ा भी मैं इसी तरह से पेस्ट बनाती थी। तो बाज़ार वाला एक तो पेस्ट जो होता है वो फ्रेश नहीं होता, तो मुझे जो है वो तसल्ली नहीं होती, तो मैं अपने बच्चों को तकरीबन कोशिश यही करती हूँ कि घर पे फ्रेश वाला खाना बना के दूँ, क्योंकि इससे तसल्ली होती है मदर्स को कि मैं अपने हाथों से इजी और बन जाता है, तो साफ़ सुथरा बना के खिला रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की हेल्थ से बेहतर तो कुछ नहीं है। तो अगर माँ के पास टाइम हो तो उसको चाहिए भी कि अपने बच्चों को घर में खाना बना के दें। तो अगर आप लोग को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज का मेरा व्लॉग इधर तक ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
टेक केयर ऑफ यू, मानिला।